गुड मॉर्निंग एम बी ए थर्ड सैम, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव टेकन टू टॉपिक्स अबाउट द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन टूडेज क्लास वी विल बी टेकिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एस एस आर एम फर्स्ट यूनिट, दैट इज बेस्ट फिट वर्सेस बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्रोच। ओके, सो बेस्ट फिट वर्सेस बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्रोच। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेस्ट फिट अप्रोच। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बेस्ट फिट अप्रोच वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको मैच करे। ओके, इट मीन्स दैट इट एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग एचआर स्ट्रेटजीज विच आर अप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इट्स कल्चर इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो बेस्ट फिट अप्रोच क्या कहता है, एचआर स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सर्कमस्टेंसेस मतलब उसकी कंडीशन। अब कंडीशन कौन सी होगी, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए उसकी एचआर स्ट्रेटजीज दे मतलब अपने को उसकी एचआर स्ट्रेटजीज डेवलप करनी चाहिए। ओके, उसी से बनेगा बेस्ट फिट जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकल फिट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्कमस्टेंसेज है उसके इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें एचआर स्ट्रेटजीज डिसाइड करनी है जो कि रिजल्ट करे इसमें बेस्ट फिट में और वर्टिकल फिट में। ठीक है, अब वर्टिकल फिट या बेस्ट फिट कैसे अचीव होगा, फर्स्ट एचआर स्ट्रेटजीज आर कॉन्फ्रेंट मतलब विद पैरेलल विद द बिजनेस स्ट्रेटजी, जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है उसके अनुसार हमने बात की डेफिनेशन में एचआर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। दूसरा मैचिंग फर्म्स डेवलपमेंट स्टेज, अब फर्म की डेवलपमेंट स्टेजेस कौन सी हैं। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, मैच्योरिटी स्टेज होती है, डिक्लाइन स्टेज होती है। हर स्टेज पे जो एचआर स्ट्रेटजीज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, उस स्टेज को मैच करनी चाहिए। ओके, थर्ड वन इज डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब दैट्स कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ओके, सो जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं उसके अनुसार स्ट्रेटजीज जो एचआर स्ट्रेटजीज है वो भी चेंज होनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ डिफेंडर्स होते हैं जो कि स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहते हैं। कुछ होते हैं प्रोस्पेक्टर जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं और कंटिन्यूस डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, एंड एनालाइजर्स आर द मिक्स ऑफ डिफेंडर्स एंड प्रोस्पेक्टर्स। ओके, सो दीज आर द फोर वेज इन विच वर्टिकल फिट और बेस्ट फिट कैन बी अचीव। एच आर स्ट्रेटजीज आर कॉन्ग्रेंट विद द बिजनेस स्ट्रेटजी, मैचिंग फर्म्स डेवलपमेंटल स्टेजेस, ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें एच आर स्ट्रेटजीज डिफाइन करें। ओके, नेक्स्ट वन इज बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच। बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच क्या कहता है, देर आर इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट देर आर सेट ऑफ एच आर एम प्रैक्टिसेस, ऐसी देर आर सेट ऑफ एच आर एम प्रैक्टिसेस, ऐसी एच आर एम प्रैक्टिसेस है जिनको अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर परफॉर्मेंस देगा। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्रोचेस क्या कहता है, ऐसी कुछ एच आर एम प्रैक्टिसेस होती है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी कैसी भी कंडीशन हो उसको कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो उसकी परफॉर्मेंस सुपीरियर होगी। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट देयर आर सेट ऑफ बेस्ट एच आर एम प्रैक्टिसेस, अडॉप्टिंग देम विल लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब जेफरी पेफाइजर ने 7 प्रैक्टिसेस बताई हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मतलब जो भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कर रहे हैं वो जॉब सिक्योरिटी देना, जॉब सिक्योरिटी देना। ओके,
सेकेंड वन इज सेलेक्टिव हायरिंग। सेलेक्टिव हायरिंग मतलब आपका रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन वो इतना अच्छा होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड द व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू रिक्वायर, ओके, एंड व्हाट आर द प्रोसेस यू आर यूजिंग फॉर रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, दैट शुड बी सेलेक्टिव, ओके। किस ग्रुप को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, वो आपको ध्यान में रखते हुए सेलेक्टिव हायरिंग करनी है। थर्ड इज सेल्फ मैनेज टीम्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स काम कर रही है वो सेल्फ मैनेज होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, जिससे कि कम सुपरविजन का रिक्वायरमेंट, ठीक है। फोर्थ इज हाई कंपनसेशन कंटिजेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है तो उसका कंपनसेशन भी हाई होना चाहिए, ओके। ट्रेनिंग देनी चाहिए एम्प्लॉयज को। सिक्स वन इज रिडक्शन ऑफ स्टेटस डिफरेंशियल्स। स्टेटस डिफरेंशियल्स मतलब ये कहता है कि ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि कोई हायर पोजीशन पे मैनेजरियल लेवल पे तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट, उसका कंपेंसेशन अलग होगा, और जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है उसका कंपेंसेशन अलग होगा। बट डिफरेंशियल स्टेटस डिफरेंशियल मतलब उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, तो उसको रिडक्शन ऑफ स्टेटस डिफरेंशिएशन। मतलब अगर कोई पार्किंग फैसिलिटी दे रखी है तो ऐसा नहीं है मैनेजर्स की पार्किंग अलग होगी और जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज उनकी पार्किंग अलग होगी, वॉशरूम्स अलग होंगे, ऐसा नहीं है, ओके। सो देयर शुड बी रिडक्शन ऑफ स्टेटस डिफरेंशिएशन। एंड लास्ट वन इज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे एम्प्लॉयज के साथ शेयर की जानी चाहिए, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेस्ट फिट वर्सेज बेस्ट प्रैक्टिस।